आइए तो उस मरहले पर सलीम अहमद की ये गज़ल, बैठे हैं सुनहरी कश्ती में और सामने नीला पानी है, सुनते हैं, जिसके लिए मैं जहमत दूंगा मोहतरमा माँ तलत शाजी साहबा को जो जूम पर मौजूद हैं सैन डिएगो से। आदाब। शुमाली उर्दू एकेडमी शुमाली अमेरिका के तमाम सामईन और नाजरीन को और सदर साहब को आदाब अर्ज करती हूँ और आपकी खिदमत में जनाब शायर जनाब सलीम अहमद साहब की गज़ल पेश करती हूँ सदर साहब की इजाज़त से। बैठे हैं सुनहरी कश्ती में और सामने नीला पानी है, बैठे हैं सुनहरी कश्ती में और सामने नीला पानी है, वो हंसती आंखें पूछती हैं ये कितना गहरा पानी है, वो हंसती आंखें पूछती हैं ये कितना गहरा पानी है। बेताब हवा के झोंकों की फरियाद सुने तो कौन सुने, बेताब हवा के झोंकों की फरियाद सुने तो कौन सुने, मौजों पे तड़पती कश्ती है और गूंगा बहरा पानी है, मौजों पे तड़पती कश्ती है और गूंगा बहरा पानी है। हर मौज में गिरियां रहता है, गिरदाब में रक्सा रहता है, हर मौज में गिरियां रहता है, गिरदाब में रक्सा रहता है, बेताब भी है बेख्वाब भी है ये कैसा जिंदा पानी है, बेताब भी है बेख्वाब भी है ये कैसा जिंदा पानी है। बस्ती के घरों को क्या देखे, बुनियाद की हुरमत क्या जाने, बस्ती के घरों को क्या देखे, बुनियाद की हुरमत क्या जाने, सैलाब का शिकवा कौन करे, सैलाब तो अंधा पानी है, सैलाब का शिकवा कौन करे, सैलाब तो अंधा पानी है। और इस बस्ती में इस धरती पर सैराबी जहाँ का हाल न पूछ, इस बस्ती में इस धरती पर सैराबी जहाँ का हाल न पूछ, यहाँ आँखों आँखों आंसू हैं और दरिया दरिया पानी है, यहाँ आँखों आँखों आंसू हैं और दरिया दरिया पानी है। और मख्तार है, ये राज समझ में कब आता, आँखों की नमी से समझा हूँ, ये राज समझ में कब आता, आँखों की नमी से समझा हूँ, इस गर्दो गुबार की दुनिया में हर चीज से सच्चा पानी है। ये आखिरी शेर है, सॉरी मख्तार नहीं। ये राज समझ में कब आता, आँखों की नमी से समझा हूँ, इस गर्दो गुबार की दुनिया में हर चीज से सच्चा पानी है, बैठे हैं माशाल्लाह और सामने नीला पानी है, वो हंसती आंखें पूछती हैं ये कितना गहरा पानी है। अदा तला साहिबा, बहुत खूबसूरती से आपने ये गजल सुनाई, बहुत शुक्रिया। जरा नवाजी जनाब सदर, मैं आपसे माफी का ख्वास्तगार हूँ, ये आपकी इजाजत के बगैर मैंने शुरू कर दिया तो देर सही देर तो आपकी याद से। अजीज दोस्तों, सलीम अहमद ने 1939 में शायरी का आगाज नज़्म गोई से किया था और तकरीबन शुरू के 5 सालों में वो नज़में ही लिखते रहे। बाद में 25 साल तक उन्होंने वो गज़ल लिखी जो उनके उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर हसन अस्करी ने उनसे लिखवाई या जिसकी उन्होंने तरगीब दी। इस तर्ज की गज़ल में क्लासिकी असातज़ा के असालीब तक पहुंचने का की कामयाब शौरी कोशिशें मौजूद हैं।
मुलाहजा फरमाइए, इतनी काविश भी न कर मेरी असीरी के लिए, इतनी काविश भी न कर मेरी असीरी के लिए, तू कहीं मेरा गिरफ्तार न समझा जाए, तू कहीं मेरा गिरफ्तार न। लेकिन जब वो रवायती शायरी और पुराने अंदाज की गज़ल से आगे बढ़े तो उन्होंने वो गज़ल लिखी जो उनके मजमूए बयाज से इकाई तक और इकाई से चराग नीम शक तक नीम शक तक मुख्तलिफ और मुनफरिद असालीब रखती है। बयास की 25 गज़लों पर इब्तदा में बहुत शोर गोगा मचा और कहा गया कि सलीम अहमद ने माशरे को बरहना कर दिया और गज़ल की आबरू रेजी की है। तनकीदें, इन गज़लों में सलीम अहमद ने एक तरफ तंजियाती उसलूब का तजुर्बा किया था और दूसरी तरफ ज़माने की जिनसी और गैर इंसानी बेतदालियों को ज़ाहिर करने की कोशिश की थी। दरअसल ये गज़लें एंटी गज़ल के उसलूब की गज़लें हैं, एंटी गज़ल कही जाती थी, और इनमें एक ऐसी सच्चाई उतर आई है जो आज भी हमें सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। ज़रा देखिए ये मिसरे जो कुछ ज़रा मुख्तलिफ नज़र आएंगे। एक मिसरा है, भेड़िए पढ़ते नहीं हैं फ़लसफ़ा, फिर उन्होंने कहा मर्द ना मर्द हैं इस दौर के, जन है ना जन, या फिर उनका हो के सैयद सलीम, हो के सैयद बने सलीम चमार। शायद इन्हीं रवैयों और इन्हीं बातों की बिना पर सलीम अहमद को एक बेहद मुतनाज़ा या कंट्रोवर्शियल शायर और अदीब भी समझा जाता है। जो उनके ऊपर तनकीद की बौछार से ज़ाहिर है। इस मोड़ पे आइए, क्यों ना हम सलीम अहमद की ये गज़ल सुने जनाब तसद्दुक अतारी से, जो यहाँ मौजूद हैं। दिल के अंदर दर्द आँखों में नमी बन जाइए, बहुत खूबसूरत है। गज़ल समात फरमाइए। दिल के अंदर दर्द आँखों में नमी बन जाइए, दिल के अंदर दर्द आँखों में नमी बन जाइए, इस तरह मिलिए कि जुज़्वे ज़िंदगी बन जाइए। एक पतंगे ने ये अपने रक्स से आखिर में कहा, एक पतंगे ने ये अपने रक्स से आखिर में कहा, रोशनी के साथ रहिए रोशनी बन जाइए। जिस तरह दरिया बुझा नहीं सकते, जिस तरह दरिया बुझा सकते नहीं सहरा की प्यास, जिस तरह दरिया बुझा सकते नहीं सहरा की प्यास, अपने अंदर एक ऐसी तशनगी बन जाइए। देवता होने की हसरत में मुअल्लक हो गए, देवता होने की हसरत में मुअल्लक हो गए, अब ज़रा नीचे उतरिए आदमी बन जाइए। देवता होने की हसरत में मुअल्लक हो गए, अब ज़रा नीचे उतरिए आदमी बन जाइए। अक्ले कुल बनकर तो दुनिया की हकीकत देख ली, अक्ले कुल बनकर तो दुनिया की हकीकत देख ली, दिल ये कहता है कि अब दीवानगी बन जाइए। जिस तरह खाली अंगूठी को नगीने चाहिए, जिस तरह
खाली अंगूठी को नगीना चाहिए, आलमे इमकान में एक ऐसी कमी बन जाइए, आलमे इमकान में एक ऐसी कमी बन जाइए। आलमे कसरत नेहा है इस इकाई में सलीम, आलमे कसरत नेहा है इस इकाई में सलीम, खुद में खुद को जमा कीजिए और कई बन जाइए, खुद में खुद को जमा कीजिए और कई बन जाइए। दिल के अंदर दर्द आँखों में नमी बन जाइए, इस तरह मिलिए के जुज़्वे ज़िंदगी बन जाइए। शुक्रिया। बहुत उम्दा गज़ल तसद्दुक साहब, शुक्रिया। अज़ीज़ मोहब्बान उर्दू, सलीम अहमद की शायरी ख़ासकर गज़ल ने कई इर्तकाई मंजिलें तय की हैं और हम इसको मुख्तलिफ अदवार में बांट कर देख और समझ सकते हैं। बयास के बाद उनका दूसरा मजमूआ इकाई है जिसमें उनकी गज़ल बिल्कुल जुदा दिखाई देती है। ये गज़लें तसव्वुफ़ की हम आहंगी के साथ सलीम अहमद के ज़ाती तजुर्बों की शिद्दत से रोशन हैं। ज़िंदगी की रोशनियों और मावराई धुंधलाहटों ने मिलकर उनके शेर में धूप छांव जैसी अजीब तिलस्मी कैफियत पैदा कर दी है। इकाई तक पहुंचकर सलीम अहमद ने अपने बातिन को खारिज से जोड़ लिया है और इस तरह उनकी खुद आगाही उनके अहद या असर की आगाही बन गई थी। उनकी ज़ात के हवाले से कुछ मिसालें देखिए। मेरी सैराबियों में तिशनगी है कि मैं दरिया हूँ लेकिन रेत का हूँ, मैं रहा टूटे हुए शीशों के साथ, मैं रहा टूटे हुए शीशों के साथ, हर ताल्लुक़ ने मुझे ज़ख्मी किया, हर ताल्लुक़ ने मुझे ज़ख्मी किया। सलीम अहमद की गज़ल में जमालियात और इदराक की आगही का इम्तिजाज भी मिलता है। उन्होंने जिनसी तलब को और मोहब्बतों की शिद्दत को जिस तरह बयान किया है वो जिस्म जान की सदाकत भी है और गज़ल की अजमत भी। मुलाहज़ा फरमाइए, ये उसका जिस्म है या है तिलस्म ख्वाब कोई, ये उसका जिस्म है या है तिलस्म ख्वाब कोई, उधर उधर निगाह उठाऊं तो नींद आने लगे, उधर निगाह उठाऊं तो नींद आने लगे। इस मंजिल पर दावत कलाम दूंगा, मोहतरमा राना कुरैशी साहबा मौजूद हैं जूम पे, उनका एक मैसेज आया था कि शायद वो देर से आए। रहबर के नाम से आगे बढ़े। अच्छा, तो चलिए हम इस मौके पर फिर दावत देते हैं। एक खूबसूरत गज़ल है, नया मज़मून किताब ज़ीस्त का हूँ, नया मज़मून किताब ज़ीस्त का हूँ, जो हमें अंजुम ज़ीशान साहबा सुनाएंगी। तशरीफ लाती हैं अंजुम ज़ीशान साहबा, आप तो यहाँ हो। महफिल में सबको मेरा आदाब और अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं भी अहमद सलीम साहब की एक गज़ल पेश कर रही हूँ आपकी इजाज़त से। नया मज़मू किताब ज़ीस्त का हूँ, नया मज़मू किताब ज़ीस्त का हूँ,
نہایت غور سے سوچا گیا ہوں. سنے مجھ کو تو میں دھڑکن ہوں دل کی, سنے مجھ کو تو میں دھڑکن ہوں دل کی, نہیں سنتے تو صحرا کی صدا ہوں, نہیں سنتے تو صحرا کی صدا ہوں. اور میری جانب کوئی آئے تو پوچھوں, میری جانب کوئی آئے تو پوچھوں, نشان راہ ہوں منزل ہوں کیا ہوں. اور کسی کو کیا بتاؤں کون ہوں میں, کسی کو کیا بتاؤں کون ہوں میں, کہ اپنی داستان بھولا ہوا ہوں. اور خود اپنی دید سے اندھی ہیں آنکھیں, خود اپنی دید سے اندھی ہیں آنکھیں, خود اپنی گونج سے بہرا ہوا ہوں. اور یہ شعر ابھی غازی صاحب نے پڑھا, میں پھر پڑھتی ہوں, بہت خوبصورت شعر. کہ میری سیرابیوں میں تشنگی ہے, میری سیرابیوں میں تشنگی ہے, کہ میں دریا ہوں لیکن ریت کا ہوں. اور ایک بہت خوبصورت, یہ بھی بہت خوبصورت شعر, کہ وہ رن مجھ میں پڑا ہے خیر و شر کا, وہ رن مجھ میں پڑا ہے خیر و شر کا, وہ رن مجھ میں پڑا ہے خیر و شر کا, کہ اپنی ذات میں ایک کربلا ہوں, کہ اپنی ذات میں ایک کربلا ہوں. اور میرا سینہ ہے چھلنی نئے کی صورت, میرا سینہ ہے چھلنی نئے کی صورت, انہی زخموں سے میں نغمہ سرا ہوں. اور مجھے شبنم کا آئینہ ملا ہے, مجھے شبنم کا آئینہ ملا ہے, اسی میں گل کی صورت دیکھتا ہوں. اور یہ آخری شعر, کہ میری موجودگی سے بندگی ہے, میری موجودگی سے بندگی ہے, کہ جب سے گم ہوا ہوں میں خدا ہوں. نیا مضمون کتاب زیست کا ہوں, نہایت غور سے سوچا گیا ہوں. شکریہ انجم ذیشان صاحب. خواتین حضرات, بیاض اور عقائق کے بعد سلیم احمد کا تیسرا مجموعہ کلام چراغ نیم شب ہے. اس میں وہ غزلیں ہیں جو ان کی زندگی کے آخری سال میں کہی گئیں. ان میں چراغ اور گھر کے استاروں کو بہت خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے, اور ذاتی تجربوں کے حوالے سے عالمی, عصری, عمرانی اور معاشرتی مسائل و افکار کو بڑی شدت اور گہرائی سے برتا گیا ہے. ان غزلوں میں زندگی کے اعتماد اور فرد کی اہمیت نے ایک بے مثال قوت حاصل کر لی ہے. ان غزلوں میں وہ بہت سے روایتی اصولوں کی سنگینی سے نکل گئے ہیں. وہ ہر منزل کو, ہر چہرے کو اور ہر آئینے کو اپنے انداز میں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں, اور انہیں جو چیز جیسی نظر آتی ہے وہ اسے اپنی سچائی بنا کر لکھ جاتے ہیں. انسان سے انسان کا رشتہ اور زمین پر زندگی کو بسر کرنا ان کے نزدیک شاید سب سے اہم مسئلہ تھا. اس سلسلے میں چراغ نیم شب سے یہ شعر دیکھیے. دونوں ساتھی ہیں کسی ایک قید سے بھاگے ہوئے, دونوں ساتھی ہیں کسی ایک قید سے بھاگے ہوئے, میرا تیرا ربط ہے یا جبر ہے زنجیر کا, میرا تیرا ربط ہے یا جبر ہے زنجیر کا. اور ایک اور, غنیم وقت کے حملے کا مجھ کو خوف رہتا ہے, غنیم وقت کے حملے کا مجھ کو خوف رہتا ہے, میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں, میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں. سلیم احمد کی غزل کے تناظر میں سودا, آتش, اقبال, یگانہ, فراق وغیرہ کی وہ روایت کھڑی ہے جو ان کے فکر و فن میں گردشیں کرتی ہوئی ایک بے مثال اسلوب اختیار کر رہی ہیں.
आइए तो फिर सुनते हैं सलीम अहमद की गज़ल, जा के फिर लौट जो आए वो ज़माना कैसा। इरफान सिद्दीकी साहब बहुत दिनों के बाद तशरीफ़ लाए हैं इस महफिल में, तशरीफ़ लाइए इस इरफान सिद्दीकी साहब की गज़ल। जाके फिर लौट जो आए वो ज़माना कैसा, जाके फिर लौट जो आए वो ज़माना कैसा, तेरी आँखों ने छेड़ा है फसाना कैसा, तेरी आँखों ने छेड़ा है फसाना कैसा। आँख सरशार तमन्ना है तो वादा कर ले, आँख सरशार तमन्ना है तो वादा कर ले, चाल कहती है कि अब लौट के जाना कैसा, चाल कहती है कि अब लौट के जाना कैसा। मुझसे कहता है कि साए की तरह साथ है हम, मुझसे कहता है कि साए की तरह साथ है हम, यूं न मिलने का निकाला है बहाना कैसा, यूं न मिलने का निकाला है बहाना कैसा। उसका शिकवा है तू नहीं है न मिले तुम हमसे, रंज इसका है कि तुमने हमें जाना कैसा, रंज इसका है कि तुमने हमें जाना कैसा। हजरत मख्ता फरमाइए मुलाजा, खुद भी सोचा था, और सॉरी एक मख्ते से पहले का है, खुद भी सोचा था बहुत उसने भी पूछा था बहुत, खुद भी सोचा था बहुत उसने भी पूछा था बहुत, हाल जब खुद ही ना समझे तो सुनाना कैसा, हाल जब खुद ही ना सुने तो सुनाना कैसा। आप सुनिए मख्ता, तुझको पाने की सॉरी, खुद भी सोचा था बहुत उसने भी पूछा था बहुत, हाल जब खुद ही न समझे तो सुनाना कैसा। तुझको पाने की हवस थी सो किसे था मालूम, तुझको पाने की हवस थी तो किसे था मालूम, अपने ही आप को खो बैठे हैं पाना कैसा, अपने ही आप को खो बैठे हैं पाना कैसा। शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। और अब एक और गज़ल, मैं सर छुपाऊँ कहाँ साये नज़र के लिए, हमें सुनाएंगे जनाब अब्दुल सत्तार गज़ाली साहब। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतनी जल्दी बुला लिया, बगैर तमीज के आपने बुला लिया। एनी हाउ तो साहिब सदर की इजाज़त से, तो पहली दो बात यह है कि मैं असल में कोई शेर नहीं ला सका कि मैं अक्सर सुनाता हूँ, तो आपकी कुछ किस्मत एनी हाउ एक छोटा सा लतीफा सुनाता हूँ तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कि हम पानी क्यों पीते हैं, मुझसे किसी ने पूछा हम पानी क्यों पीते हैं, मैंने कहा भाई हम पानी खा नहीं सकते इसलिए पीते हैं। अच्छा जनाब अब मैं आता हूँ, ये बड़ी अच्छी गज़ल है और माशाल्लाह इस गज़ल का हर शेर जो है क्या कहते हैं बहुत ही मीनिंगफुल है, बामानी है जिसको कहते हैं जनाब। तो सलीम साहब फरमाते हैं मैं सर छुपाऊँ कहाँ, मैं सर छुपाऊँ कहाँ साए नज़र के बग़ैर, कि तेरे शहर में, कि तेरे शहर में रहता हूँ और घर के बग़ैर, कि तेरे शहर में रहता हूँ और घर के बग़ैर, मुझे वो शिद्दत एहसास, मुझे वो शिद्दत एहसास दे कि देख सकूँ तुझे करीब से, तुझे करीब से और मिन्नत नज़र के बग़ैर, तुझे करीब से और मिन्नत नज़र के बग़ैर, और ये शहर जहन से खाली नमू से आ रही है, ये शहर जहन से खाली नमू से आ रही है, बलाएँ फिरती हैं यहाँ दस्त बाव
बलाएं फिरती हैं यहाँ दस्त पाओ सर के बगैर। निकल गए हैं जो बादल, निकल गए हैं जो बादल बरसने वाले थे, निकल गए हैं जो बादल बरसने वाले थे। ये शहर आपको तरसेगा चश्मे तर के बगैर। कोई नहीं जो पता दे दिलों की हालत का, कोई नहीं जो पता दे दिलों की हालत का, कि सारे शहर के अखबार हैं खबर के बगैर, कि सारे शहर के अखबार हैं खबर के बगैर। मैं पाँव तोड़ के बैठा रहा कहीं ना गया। सलीम मंजिलें तय हो गईं सफ़र के बगैर। मैं सर छुपाऊँ कहाँ साए नज़र के बगैर। गलतियों की माफ़ी चाहता हूँ इसलिए कि 12:30 बजे मैंने ये नज़म प्रिंट की है और आपके सामने पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब मदाली साहब। तो मुअज़्ज़ज़ बाब, सलीम अहमद गज़लों के अलावा नज़मों के मैदान में भी किसी से पीछे ना रहे। उन्होंने बहुत अच्छी नज़में कही हैं, लेकिन बेहद काबिल ज़िक्र और मुनफरद है उनकी बहुत तवील नज़म मशरिक़, जो उन्होंने 1971 में लिखी और जिसमें उन्होंने ज़ाती ज़िंदगी, ज़ाती तजुर्बात, ज़ाती फ़िक्र और ज़ाती ताल्लुकात के एहसासात के हवालों से तख्लीक की है। ये तवील और पूरी नज़म अपनी वसतों में और अपने तासर में इज्तमाही ज़िंदगी की अक्कासी बन गई है। इस हज़ारों मिसरों को मुश्तमिल नज़म में सलीम अहमद ने ड्रामे के फ़न को आज़माया है। किरदार नगारी, मकालमा नवीसी, जुज़वियात का बयान, मुख्तलिफ आवाज़ों और अल्फाज की गूंज और उनको लहरों में तब्दील करने का तजुर्बा, नज़म के मुख्तलिफ हिस्सों की इब्तदा और उनका उरूज और उनका अख्तितामिया इतना तख्लीकी और फ़नी एतबार से मुकम्मल है कि इसकी मिसाल तवील नज़मियाँ उर्दू शायरी में मौजूद नहीं। कुछ बंद इसके मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं, मशरक़ हार गया, ये बक्सर और पलासी की हार नहीं, टीपू और झांसी की रानी की हार नहीं, 1957 की जंग आज़ादी की हार नहीं, लेकिन मशरक़ अपनी रूह के अंदर हार गया है। मैं सोच रहा हूँ, सूरज मशरक से निकला था लेकिन मगरिब हर सूरज को निगल गया है। मैंने अपने घर की दीवारों पर लिखा है, मैं हार गया हूँ। मैंने अपने आईने पर कालिक मल दी है और तस्वीरों पर थूका है कि हारने वाले चेहरे ऐसे होते हैं। मेरी रूह के अंदर ऐसा गहरा ज़ख्म है जिसको भरने के लिए सदियां भी नाकाफ़ी हैं। मैं अपने बच्चे और कुत्ते दोनों को टीकू कहता हूँ। सलीम अहमद ने ख़ुद कहा, मेरी ये नज़्म यकीनन ऐसी शायरी है जिसमें जमालियात शायद ना हो, लेकिन जो मेरे वजूद की पूरी मानवियत का इजहार करती है। आइए, तो नज़्म की बात हो रही थी, सलीम अहमद की इसी नज़म से सुनते हैं उसका एक हिस्सा, नींद से पहले, जो हमें सुनाएंगे जनाब महमूद हसन साहब। आइए, तशरीफ़ लाइए महमूद हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया काजी हबीब साहब। सामईन महफिल, जनाब सदर, आपकी इजाज़त से इस नज़्म की मुनासबत से चंद अल्फाज कहना चाहूँगा। पाकिस्तान के अजीम दानिश्वर सिराज मुनीर ने कहा है कि सलीम अहमद एक ऐसी किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे बर्क गिरती है
मगर एक लम्हे के बाद कुछ बाकी नहीं रहता। नींद से पहले भी एक जदीदियत परस्त शायर के लिफाफे पर जैसे पीओ बॉक्स नंबर की तरह है, किसी को पता नहीं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जहन सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये कौन है, इसकी शनाख्त क्या है। माशरा सबसे ज़्यादा फनकार के चुलबुलेपन से डरता है, वो इसलिए कि चुलबुला फनकार उसको मरकज़ी शख्सियत की तरफ ले जाता है। बस एक तह से दूसरी तह तक पहुँचना सलीम मत की बुनियादी तलाश है। अपने नक्कादों के बारे में सलीम अहमद ने कहा है, सुनिए, मेरे तजिए के लिए बाला बाला, किसी ने बगल से फ्राई निकाला, किसी ने कहा दिल लगी कर रहे हैं, किसी ने कहा मसखरे बन गए हैं, कोई इनमें शायर था नक्काद कोई माहिर फन था उस्ताद कोई, अदब सारी दुनिया का रट लिया है मगर ये नहीं जानते लफ्ज क्या है। अब आइए इस नज़्म की तरफ चलते हैं और आप इसका फ़ैसला करेंगे कि ये किसके बारे में कह रहे हैं। इन्होंने तो कहा है कि इसका उन्वान है नींद से पहले। तो कहते हैं कि एक दिन शाम को बाज़ार में चलते फिरते सुनसनाहट सी हुई सारे बदन में मेरे, सांस भारी हुआ सीने में अटक कर आया, कुछ कदम और चला हंगा के चक्कर आया, फिर मुझे याद नहीं कैसे हवाएं बदली, वक्त बाज़ार समा और फिजाएं बदली, जाने क्यों देख के बाज़ार को डर आने लगा, बेज़रर चीज़ों से भी खौफ ज़रर आने लगा, जाने क्या आँख को बिन देखे नज़र आता था, एक एक उज्व बदन खौफ से थर्राता था, जिस्म काबू में न था सीने में दिल अटका था, पांव रखता था कहीं और कहीं पड़ता था, हफ्स महसूस हुआ ठंडा पसीना चपका, चढ़ गया जहन पे धुंध और धुएं का भक्का, चलना कैसा कि घिसटता हुआ घर में आया, मुझसे दो चार कदम आगे था मेरा साया, कैसा साया कि हर एक लम्हा बदलता जाए, दम बदम एक नई शक्ल में ढलता जाए, कभी सिमटे कभी फैले कभी सहमे कभी कांपे, कभी रेंगे कभी दौड़े कभी रुक कर हाँपे, मुझको यूं लगता था मैं जान रहा हूँ खुद को, उसकी हर शक्ल में पहचान रहा हूँ खुद को, डरते डरते जो कदम और बढ़ाए मैंने, वहशत रूह के सामा नए पाए मैंने, बल्ब में चश्मे गज़बनाक का आलम देखा, कैसी आवाज़ चली आई है घर 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 घर, आँख उठाऊँ तो बला नाच रही है सर पर, हाथ कुर्सी ने अचानक मेरी जानिब फैलाए, मैं जो पलटा उधर मेज़ ने भी पाँव बढ़ाए, खुद ब खुद जूतों में हरकत हुई मोज़े भागे, कुलबुलाते हुए कीड़े थे कुशन के तागे, सरसराहट सी यकायक हुई पर्दे के करीब, साफ सा रेंग रहा था मेरे तकिए के करीब, बंद घड़ियाल में बजने लगे एकदम बारह, कहा मुझ पे हवाओं ने अचानक मारा, बैठना चाहा तो सोफों ने दबाकर खींचा, भागना चाहा तो पर्दों ने पकड़कर खींचा। अब इसके बाद मेरे ख्याल में यह आखिरी शेर उन्होंने लिखा है दूसरे दिन, फिर ज़रा देर में जैसे कि ये सब कुछ भी न था, दिल को वहशत थी ये वहशत का सबब कुछ भी न था। शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया महमूद हसन साहब।